तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग। मैं आशा करता हूँ बहुत ही स्वस्थ और मस्त। मैं स्वागत करता हूँ फिर से एक नई वीडियो में। नई वीडियो मेरे चैनल का आखिरी वीडियो होने जा रहा है। इसका रीज़न क्या है आप लोगों को वीडियो के बिल में पता चले जाएगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी ये वीडियो मतलब फिनिश कर दूँ। ठीक है, रात के 11 बजे मैं डिनर करके अभी उठा हूँ। तो मैं सोचा ये वीडियो आप लोग के लिए बना दूँ। फाइनली मैं चैनल को बंद कर दूंगा। ठीक है, अगर मुझे इसका जो प्रॉब्लम हो रहा है मेरे चैनल पे उसका सलूशन अगर नहीं मिला तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों को पता चल जाएगा वीडियो के मिडिल में। तो वीडियो देखते रहो। ठीक है, तो आप लोगों को पता है मेरे चैनल पे मेरा चैनल जो है मेनली मोटर ब्लॉगिंग रिलेटेड ही है। मैं अच्छा अच्छा व्यू दिखाना मेरा काम है। मोबाइल से मैं मोटर ब्लॉगिंग करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ जितना अच्छा व्यू आप लोगों के लिए ला सकूँ मोबाइल से। मतलब आप वीडियो अच्छा बनाते हो, लेकिन अगर आप यूट्यूब आपका आपको अगर हेल्प नहीं करेगा ना भाई, तो आपका चैनल कभी भी ग्रो नहीं होगा। वो आपका जितना अच्छा वीडियो आप लोग बना दो फिर भी, ठीक है, अच्छा रिस्पांस मिल रहा, तो मैं अच्छा कोशिश कर रहा था इस चैनल पे डेवलप करने के लिए। लेकिन अचानक मेरे चैनल का जो ग्रोथ है वो डाउन हो गया। आप लोग वीडियो में देख रहे हो जो मेरा चैनल का पहले जो व्यू था 500 600, मतलब 400 450 व्यू आ रहा था। लेकिन मतलब 28 डेज में मिडिल में मैं थोड़ा सा कंटेंट को डेवलपमेंट किया था, इसलिए व्यू आप लोग देखो 1000 1500 2000 3000 ऐसे आ रहा था। लेकिन अचानक देखो आप लोग जो ग्राफ था ना, ग्राफ वो गिर गया, एकदम से गिर गया। मतलब अब भी मेरे चैनल पे 100 150 व्यू आ रहा है घंटे में, 3 4 व्यू आ रहा है। लेकिन आप लोग कह सकते हो जे अब आपका चैनल का मतलब आपका व्यू मतलब वीडियो का व्यू उतना नहीं आ रहा है, मतलब आपका जो ऑडियंस रिटेंशन है वो अच्छा नहीं है, वा CTR जो होता है क्लिक थ्रू रेट, जिसके ऊपर ही डिपेंड करके आपका इंप्रेशन यूट्यूब भेजता है, व्यू आता है, तो आपका अच्छा नहीं है। तो वो भी आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, मेरा CTR एंड मेरा जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन है ना, मतलब जो ऑडियंस रिटेंशन, वो भी बहुत ही अच्छा आ रहा है। कुछ मेरा वीडियो है जो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, तो देखो मेरे स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, देखो कितना अच्छा अच्छा ऑडियंस रिटेंशन है। क्लिक थ्रू रेट भी बहुत ही अच्छा है, मतलब हाई है, अप कर रहा है। आप लोग देख चुके हो जो मेरा वीडियो में कोई गलती नहीं है। 2-3 वीडियो रहता है चैनल पे जो वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन कम आता है, हर वीडियो तो भाई ग्रो नहीं कर पाता है ना। तो व्यू रिलेटेड मेरा चैनल है, तो अगर आपको व्यू अच्छा लगता है तो व्यू रिलेटेड वीडियो ही आप लोग क्लिक करोगे। तो इसीलिए हर वीडियो में उतना व्यू नहीं आता था, लेकिन जो वीडियो में ब्लॉग रिलेटेड मतलब मोटर ब्लॉगिंग करता था वो वीडियो में अच्छा रिस्पांस मुझे मिल रहा था। इसलिए मैं रेगुलर मेहनत करता था ये चैनल को ग्रो करने में, लेकिन अचानक ऐसे मेरा जो चैनल डाउन हो गया, तो इससे मैं डीमोटिवेट हो चुका हूँ। हर लोग आदमी हर पर्सन ही होगा भाई। तो ऐसे ही अगर आपका चैनल ग्रो कर रहा है लेकिन अचानक आपका अगर चैनल डाउन हो जाए ना, तो आपको बुरा लगेगा भाई, आप लोग डीमोटिवेट ज़रूर होंगे। तो मुझे लग रहा है ये चैनल डेड हो चुका है। किसी किसी वीडियो में मैं देखा हूँ अगर अचानक व्यू आपका कम हो जाए तो आपका चैनल डेड हो गया है, आप लोग समझ सकते हो। तो मेरा चैनल डेड नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे लग रहा है डेड होने का 2 कारण है। आपका चैनल तब भी डेड होता है जब आपका चैनल पर आप लोग एक्टिव नहीं हो। कभी मन किया आपका चैनल है तो एक वीडियो अपलोड कर दो, फिर गायब हो जाओ, फिर 1 महीना बाद फिर आप वीडियो अपलोड करते हो, तो वैसे आपका चैनल डेड हो सकता है ना। अगर आप मिक्स कंटेंट डालते हो आप लोग चैनल, तब आपका जो चैनल वो आप लोगों का डाउन हो सकता है। क्योंकि मेरे चैनल का कोई मिक्स कंटेंट नहीं है, 2-3 अनबॉक्सिंग है, ज़्यादातर मोटो ब्लॉगिंग है एंड कुछ इंपॉर्टेंट जो टिप्स रहता है मैं देता हूँ, ठीक है, एक्सपीरियंस के ऊपर। तो इसीलिए आप लोगों को मिक्स कंटेंट नहीं देखने को मिलेगा। मैं तो भाई रेगुलर नहीं हूँ भाई, मतलब 100% एक्टिव रहता हूँ यूट्यूब में, तो ये 2 कारण नहीं है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ मेरे चैनल का डेट नहीं है, कोई दूसरा कोई कारण है। अगर आपको ये प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में पता है, अगर आपका कोई भी चैनल था वा है ऐसा प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हो, आपको पता है ऐसा प्रॉब्लम क्यों होता है, तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। कॉमेंट के बेसिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो नहीं बनाता था, मैं चैनल को ही बंद कर देता था। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, आप लोगों के साथ ये जो प्रॉब्लम है हो रहा है शेयर कर दूँ, नहीं तो आप लोग समझ सकते हो कि सुदीप ब्लॉग नई वीडियो अपलोड कर रहा है, बंद कर दिया कि नहीं कर दिया। तो मैं कोशिश करता हूँ मोबाइल से जितना अच्छा व्यू आप लोगों के लिए आ सकूँ एंड अच्छा से आप लोगों के साथ बात कर सकूँ, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो। तो आप लोगों को पता चल चुका है आज का कंटेंट किसके ऊपर है। अगर मेरे सॉल्यूशन मुझे पता चल गया तो जल्दी मुलाकात होगी चैनल पे एक नया तरक्ता वीडियो देखे मोटर ब्लॉगिंग रिलेटेड। फिर मज़ा होगा, बहुत इन्जॉयमेंट होगा। अगर नई सॉल्यूशन मिला तो मैं फाइनली चैनल को बंद कर दूंगा, कि दूसरा कोई चैनल खोल कर फिर 5-6 मंथ फिर मेहनत करना भाई बहुत ही टफ है। एक चैनल को ग्रो करना भाई बहुत ही बड़ा बात है, ठीक है। ब्लॉगिंग करना भाई, मोटर ब्लॉगिंग करना भाई बहुत ही मेहनत का काम है। अगर आप लोग सपोर्ट करते हो फिर मैं ये वीडियो बनाऊंगा। अगर मुझे सोल्यूशन पता चला कि ना ये प्रॉब्लम में चलते हो रहा था, यानी ऐसे मुझे सोल्यूशन करना पड़ा, तो अगर मेरा कोई गलती अगर होता है, ठीक है, अगर मेरा कोई गलती है इसीलिए मैं ये प्रॉब्लम में फेस करूँ, तो मैं कोशिश करूँगा इसको ठीक करने का एंड चैनल पर जल्दी मुलाकात होगा एक नया ब्लॉग लेके, ठीक है। तो चलो चलते हैं, मुलाकात होगी जल्दी। एंड अगर सुदीप ब्लॉग चैनल को अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोर से बजा देना। अगर सॉल्यूशन पता चल गया है प्रॉब्लम का, तो ज़रूर
आप लोग के साथ मुलाकात होगी। तो चलो चलते हैं, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन नेक्स्ट वीडियो कब होगा मुझे मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को जल्दी मिलेगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सपोर्ट करोगे मुझे, तो एंड प्रॉब्लम का सलूशन एंड हल मुझे जल्दी मिलेगा। दिल लोग को सपोर्ट करते रहो। अगर आपको अच्छा व्यू देखना है एंड बहुत ही अच्छा अच्छा प्लेस आप लोगों को देखना है, तो आप लोग सिद्धि ब्लॉग को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो चलते, मुलाकात होगी जल्दी। टाटा, बाय बाय, स्वस्थ रहो, अच्छा रहो, सिद्धि ब्लॉग को सपोर्ट करते रहो। टाटा, सी यू सून।